हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। एंड आज हम आए हैं यहाँ पे टू रीड मोर अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कल हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन शुरू कर लिया था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन शुरू कर लिए थे। आज हम उससे थोड़ा आगे वाला पार्ट करने जा रहे हैं। चलो तो रीड करना शुरू करते हैं। द एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स, the hair and the mucus trap the dust particles, it then passes through the pharynx, larynx, trachea, bronchi and enters the lungs. The trachea has rings of cartilage which prevent it from collapsing when there is no air inside the trachea. The bronchi further divides into small tubes called bronchioles which ends in the tiny air sacs called alveoli. कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम एल्वियोलाई के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, द एल्वियोलाई हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई थिन होते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ दे आर वेरी थिन, तो ये क्या कर देते हैं, ये अलाउ कर देते हैं बहुत सारा गैसियस एक्सचेंज विदाउट एनी रिस्क। You can see कि ये जो alveoli है, these alveoli are related to the blood vessels. They are very close in relation to the blood vessels, जिसकी वजह से gases exchange carbon dioxide and oxygen between the alveoli and the blood vessels are very easy. Now let us read about the mechanism of breathing. When we breathe in air, the muscles of the diaphragm contracts and moves downward, and the chest cavity expands and the air enters into the lungs. जब हम हवा अंदर लेते हैं तो जो diaphragm muscles हैं वो contract हो जाते हैं और नीचे को चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नीचे को चले जाते हैं, मींस बेसिकली दे बिकम फ्लैट। द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स एज यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है, वी आर ब्रीदिंग इन, तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या है, एक्सपैंड हो रही है, डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये फ्लैट शेप्ड डायफ्राम बन रहा है, यहाँ पे ये फ्लैट बन गया ना बिल्कुल। Thus the diaphragm flattens. Now when we breathe out, on the other hand you can see कि ये breathing out की image है, इसमें क्या है, the man is pushing out the air, chest cavity क्या है, contract हो रही है, उसी की help से जो diaphragm है वो contract हो रहा है। Diaphragm contract होके क्या बना रहा है, dome shape बना रहा है, dome shaped structure बना रहा है ऊपर की तरफ जो मूव हो रहा है। ओके, थस व्हाट हैपेंस, डायफ्राम के केस में क्या हो रहा है, डायफ्राम जब हम ब्रीद इन करते हैं, डायफ्राम फ्लैट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड एंड रिलैक्स्ड। चेस्ट कैविटी क्या है हमारी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट कैविटी क्या है, एक्सपैंड हो जाती है एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब लंग्स के केस में देखते हैं, एक्सपिरेशन मतलब ब्रीदिंग आउट, ब्रीद आउट करते हैं तो लंग्स में से जो एयर है वो बाहर की तरफ जाती है फ्रॉम द नोज, तो लंग्स जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड जब हम इंस्पायर करते हैं तो लंग्स क्या है वो फूल जाती है, दे एक्सपैंड एंड दे इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन आपको समझ आ गया। रेस्पिरेशन में क्या था, रेस्पिरेशन में जो खाना हमने खाया था वो खाने से हम एनर्जी निकाल रहे थे। प्लांट्स में डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। एनरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया, एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिए,
एंड देन एट लास्ट द रेस्पिरेशन मैकेनिज्म भी हमने पढ़ लिया. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट. ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट है जो, दैट इज द हार्ट एंड इट्स ब्लड वेसल्स. ठीक है, तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है, हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स, थ्री पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड क्या होता है, क्या करता है और उसका क्या काम होता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट. फूड ऑक्सीजन की जगह वेस्ट प्रोडक्ट भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको, किडनी को. ठीक है, पूरी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करके ये किडनी को दे देता है. और इन दिस वे न्यूट्रिएंट्स भी है, न्यूट्रिएंट्स वो इंटेस्टाइन से या फिर इंटेस्टाइनल पार्ट से, लिवर वाले पार्ट से वो न्यूट्रिएंट्स लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ब्लड के थ्री कॉम्पोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा मीन्स द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. थ्री कॉम्पोनेंट्स एंड वन फ्लूइड, दैट इज प्लाज्मा. थ्री काइंड ऑफ सेल्स कौन कौन से, आरबीसी जो रेड कलर के होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट कलर के होते हैं एंड प्लेटलेट्स जो फ्रेगमेंट्स होते हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनस वेस्ट एक्सेट्रा. प्लाज्मा के अंदर ही सब कुछ क्या है, मिक्स होके जाता है एक्सेप्ट द ऑक्सीजन. ओके, प्लाज्मा फूड भी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है, अदर नाइट्रोजीनियस वेस्टेज भी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ रेड ब्लड सेल्स है मेजरली दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. रेड ब्लड सेल्स में क्योंकि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है. व्हाइट ब्लड सेल्स किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन. एंड व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, किल द हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी. ऑन द अदर हैंड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी. देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा करता है सब कुछ ट्रांसपोर्ट, जो वेस्ट मटेरियल हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर होता है. रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन, व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू हमारी इम्यूनिटी होती है, ये माइक्रोब्स को प्रिवेंट करते हैं. एंड प्लेटलेट्स बेसिकली क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं. ब्लड लॉस, ब्लड लॉस कब हो जाता है, जब कोई भी इंजुरी हो जाती है हमें, तो ब्लड की हमारी कोई भी इंजुरी उसको हील करने की जरूरत पड़ती है, उसमें कौन काम करते हैं, हमारे प्लेटलेट्स. प्लेटलेट वुंड फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं आर्टरीज एंड वेन्स के ऊपर. वेन्स पार्ट इज बेसिकली एब्सेंट, ये पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, लेट मी टेल. Arteries carry pure blood from the heart to all parts of the body. They are thick-walled and do not have walls. Walls in mein nahi hote hain. Artery kya karti hai? Pure blood carry karti hai from the heart to all parts of the body. Ab main aapko ye cheez dikhati hu. In this, hamare paas three kinds hote hain. Arteries, veins and capillaries. Arteries करती है pure blood carry, pure blood from heart to all parts. Okay? Veins करती है impure blood. इम्प्योर ब्लड का मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती है फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट.
and capillaries. Capillaries connect the arteries with the veins. It forms a connection of arteries and the veins. Arteries क्या करती हैं? Pure blood from heart to all parts of the body. See, this is a heart. हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स को कौन लेके जाता है? यहाँ पे आएगा हमारे ये है हमारे बॉडी पार्ट्स और हार्ट. यहाँ पे आएंगे हमारे हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, आर्टरीज एंड आर्टरीज को बेसिकली एंड इधर वाली साइड हमारी क्या आ जाएंगी? वेन्स. ओके, अंडरस्टूड? अब ये देखो, आर्टरीज हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है एंड वेन्स बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जा रही है. ठीक है, दिस इज अवर ऑल सर्कुलेशन दैट हेल्प्स दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ these blood vessels. Now heart ke bare mein padhte hain. Heart is a muscular organ which pumps blood to all parts of the body. It has four chambers. Upper two chambers are called arteria and lower two chambers are called ventricles. First of all, hamara jo human beings ka heart hota hai, that is a four chambered heart. Upar wale do chambers hote hain, they are known as the arteria, and jo niche wale do chambers hote hain, they are known as the ventricle. Since the ventricles pump blood to different organs, its walls are thicker than arteria. Ventricles ki wall arteria se thicker hoti hai. Kyun hoti hai? Kyunki arteria ne to blood receive karna hota hai, lekin ventricle ne blood pump karna hota hai all parts of the body ko. The right and the left chambers are separated by septum. Jo right chamber hai and left chamber hai, usko separate kiya jata hai with the help of septum. It prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ठीक है, सेप्टा का क्या काम होता है? अब दिस इज द सेप्टा, ये आपको दिख रहा है, ये होता है सेप्टा. ये जो हमारी ये हो गई हमारी राइट साइड एंड ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड. बेसिकली अकॉर्डिंग टू मेंशंस हम देखते हैं, दिस इज द लेफ्ट आर्टरियम एंड दिस इज द राइट आर्टरियम. ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो, इसलिए ये सेप्टम होता है. ठीक है, अब वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं. वाल्व्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे, दीज आर द वाल्व्स. कि एक बार आर्टरिया को वेंट्रिकल से ब्लड चला गया तो उसका बैक फ्लो ना हो पाए, ये वाल्व्स क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, इसलिए ये वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी फर्दर and understand the pumping of the heart. See, when the left atrium relaxes, the oxygenated blood from the lungs flow into the pulmonary vein. Vein kya hai? Vein organ se heart ko leke aayegi. Pulmonary vein wo wali vein hoti hai jo lungs se blood ko leke aati hai. Lungs se agar blood leke aa rahi hai to wo oxygenated blood leke aa rahi hai. Theek hai, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां पे आएगी? वो लेफ्ट वाले पार्ट में. लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द लंग्स इनटू द पल्मोनरी वेन. वेन क्या करेगी? वेन लेके आएगी. व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स एंड ब्लड फ्लोज इनटू इट.
जब ये वेन कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाता है और उसमें ब्लड आ जाता है। कहां से आएगा? आर्टरिया में से। लेफ्ट आर्टरिया में से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू आयोटा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में पहुंच गया। आर्टरी जो वेंट्रिकल्स आयोटा से कनेक्टेड होती है, आयोटा होती है बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी एंड आयोटा इज कनेक्टेड टू ऑल द आर्टरीज। ऑल द आर्टरीज टेक द ब्लड टू रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स। जिस आर्टरी ने जिस पार्ट को ब्लड लेके जाना होता है फिर वैसे ले जाती है। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ आ गया। The left ventricle contracts and the oxygenated blood is pumped out through the aorta to all parts of the body. All parts of the body तक blood पहुंच गया। कैसे पहुंचा? पहले pulmonary vein है जो वो oxygenated blood लेके आई, left part के पास लेके आई, left artery में blood पहुंचा, left ventricle में blood पहुंचा, left ventricle ने aorta को blood दिया and aorta ने सारी arteries को blood दे दिया। Arteries ने पूरी body parts तक पहुंचा दिया। After circulating through all parts of the body, the deoxygenated blood enters the right atrium through the vena cava. जैसे aorta biggest artery है, वैसे ही vena cava क्या है? Biggest vein है। सारी veins connect होके ही vena cava बनाती है। और vena cava कहाँ पे खुलती है? Vena cava खुलती है right atrium के ऊपर अंदर। ठीक है? Right atrium के अंदर। The right atrium contracts. Right atrium contract हो गई। तो राइट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंच गया और फिर ये लंग्स में पहुंच गया। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड देना है ओनली टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स क्या कर देंगे? डीऑक्सीजनेटेड जो वेस्ट ब्लड, जो गंदा ब्लड है उसको ऑक्सीजनेट कर देंगी लंग्स। तो आर्टरी लंग्स के पास ब्लड लेके आती है और लंग्स से वेन ब्लड वापस ले आती है। उसके थ्रू फिर से दोबारा ये साइकिल रिपीट हो जाता है जो हमने लेफ्ट में पढ़ा था। लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, देन फर्दर आर्टरीज। ठीक है, राइट वाली साइड पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट वाली साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जो राइट एंड लेफ्ट वाले पार्ट होते हैं दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ सेप्टा। Since the blood flows through the heart twice कैसे घूमता है ये मैं आपको दिखाती हूँ अपने डायग्राम में। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नाउ पहुंच जाते हैं हार्ट के ऊपर। देखो ये है हमारी सुपीरियर वेना कैवा, ये वाली जो आपको दिख रही है दैट इज द सुपीरियर वेना कैवा। Let me show you again. This is the superior vena cava. सभी veins मिलके यहाँ पे इकट्ठी हो गई। ठीक है? ये कहाँ से? ये कौन सा blood लेके आ रही है? ये blood लेके आ रही है from all the body parts. This blood is the deoxygenated blood. Deoxygenated blood यहाँ पे right atrium में पहुंच गया। Right atrium के अंदर पहुंच गया। ठीक है? अब राइट आर्ट्रियम ने राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये पल्मोनरी वाल्व से, पल्मोनरी आर्टरी से इसको भेज दिया लंग्स को। ये ब्लड गया अब लंग्स को, ये गया ब्लड लंग्स को। ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। ये ब्लड पहुंच गया लंग्स के पास। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर। देखो तो
सुपीरियर वेना कहवा, सुपीरियर वेना कहवा बॉट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड गया राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर. पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी देखो हार्ट से ऑर्गन्स को लेके जाएगी, मतलब हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, ठीक है. यह पहुंच गया टू द लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी ले गई लंग्स के पास. अब यहाँ पे पड़ी है हमारी पल्मोनरी वेन. लंग्स ने क्या कर दिया, ब्लड को प्योरीफाई कर दिया और इसको वापस कौन लेके आया, वापस लेके आया वेन, क्योंकि ऑर्गन से हार्ट को ब्लड वापस लेके आती होती है हमारी वेन, हमेशा हमेशा हमारी वेन लेके आती होती है. ये वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आई, मतलब प्योर ब्लड, मतलब साफ ब्लड. ये पहुंच गया हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब आयोटा, ये ऐसे घूम के चला जाएगा आयोटा से. आपको दिख रहा है, इन्होंने ऐसे दिखाया ये लेफ्ट वेंट्रिकल. लेट मी क्लियर ऑल द एनोटेशंस. ये देखो आपको दिख रहा है पल्मोनरी वेन का ये वाला एरो, देखो दिस एरो, दिस इज ब्रिंगिंग द ब्लड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, वेंट्रिकल फर्दर आयोटिक वॉल्व, आयोटिक वॉल्व इज कनेक्टेड टू द आयोटा, दिस इज द आयोटा. ये हमारी बिगेस्ट आर्टरी है आयोटा, ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी से कनेक्ट करती है एंड डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज फर्दर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड लेके जाती है. इस तरीके से ब्लड है जो हमारी पूरी पूरी बॉडी में पहुंच रहा है, एफिशिएंटली हमारा ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच गया. अब देखो इस टाइम में क्या हुआ, एक बार तो ब्लड आया हार्ट से घूम के गया लंग्स में, ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट सर्कुलेशन. फिर लंग्स से वापस आया, फिर हार्ट को घूम के गया आयोटा में, ये हो गई हमारी डबल सर्कुलेशन. हार्ट में ब्लड कितनी बार आ रहा है, सेम ब्लड दो बार आ रहा है. सपोज करो ये ब्लड आ गया यहाँ पे, यहां से घूम के ब्लड जा रहा है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, पहली बार हो गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम हार्ट जब आया, ब्लड जब आया हार्ट में, ठीक है. अब जब यही ब्लड प्योरीफाई होके वेन से आएगा तो ये ब्लड एंटर कर गया सेकेंड टाइम, दो टाइम सेम ब्लड एंटर कर रहा है हार्ट में और एंटर करके वो घूम के जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है. तो हमारी जो हार्ट में होती है दैट इज डबल सर्कुलेशन. अब आपको ये वाली डायग्राम भी एक बार समझा देते हैं. सी दीज आर द लंग्स, दिस इज द राइट पार्ट. राइट पार्ट में हमारा गंदा खून होएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. रेड पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारा पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, साफ साफ वाला ब्लड, ठीक है. ये आगे कैपेलरीज, ये कैपेलरीज वेन्स को कनेक्ट कर रही है, आर्टरीज हैं जो पूरे बॉडी पार्ट्स को लेके जा रही है ब्लड, साफ ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को लेके जा रही है. और वेन्स क्या है, पूरे बॉडी पार्ट्स से ब्लड वापस लेके हार्ट में आ रही है, हार्ट लंग्स को भेज रहा है, लंग्स प्योरीफाई करके दोबारा हार्ट में लेके आ रहा है और आयोटा के थ्रू वो पूरी बॉडी में जा रहा है. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि हार्ट का कलर क्या होता है, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है. प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के अंदर की स्पेसेस में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं लिम्फ. ये सिर्फ ये प्लाज्मा का बना होता है जो कैपेलरीज से, देखो आपको डायग्राम में वापस लेके जाके दिखाती हूँ. ये देखो ये है हमारी कैपेलरीज, ये जब आर्टरीज और वेन्स कैपेलरीज के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं तो इसमें से थोड़े सा प्लाज्मा है ना, जो सेल्स तो निकल नहीं पाते क्योंकि कैपेलरीज बहुत थिन होती है, मतलब सेल्स तो निकल ही नहीं सकते, लेकिन प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड होता है, पानी होता है, इसलिए प्लाज्मा थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और प्लाज्मा क्या बना देता है, फर्दर जाके लिम्फ बना देता है, विच एस्केप्स फ्रॉम द कैपेलरीज.
Lymph drains into the lymphatic capillaries, which form the lymph vessels and join into the large veins. Lymph vessels भी further veins को connect होती है. अब lymph का काम क्या होता है? Lymph का काम होता है to transport the digested fats and drain the excess fluids from the intercellular spaces back into the blood. इसका क्या मतलब हुआ? Lymph fats भी transport करता है, एक्सेस फ्लूइड्स को भी फेंक देता है, और लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें. लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? जर्म्स को किल करते हैं एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. लिम्फ का ये काम होता है. नाउ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस का हार्ट, इनका हार्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट. वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ. जो मैमल्स का हार्ट है उसमें होते हैं फोर चैम्बर्स, टू आर्टरिया एंड टू वेंट्रिकल्स. एम्फीबियंस के हार्ट में क्या होता है? एम्फीबियंस के हार्ट में होते हैं थ्री चैम्बर्स एंड उन्होंने थोड़ी सी मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है. मतलब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर अलाउड टू मिक्स. फर्दर जो हमारा फिशेस का हार्ट है उसमें सिर्फ दो ही चैम्बर्स होते हैं, एक आर्टरी और एक वेंट्रिकल. ठीक है, उनमें मिक्सिंग ही रहती है ब्लड की, क्योंकि उनमें गिल्स होते हैं ना, तो गिल्स साथ के साथ ऑक्सीजनेट करते रहते हैं. अब इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम. मैमल्स एंड बर्ड्स हैव फोर चैम्बर्स एंड राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम. सेप्टम से सेपरेटेड है राइट एंड लेफ्ट साइड. चार चैम्बर्स है, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, दो आर्टरी एंड दो वेंट्रिकल्स. किन में? मैमल्स एंड बर्ड्स में. इसलिए इनका हार्ट जो होता है फोर चैम्बर्ड कहा जाता है. सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated blood and provides efficient supply of oxygen. This prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provides efficient supply of oxygen. देखो अगर oxygenated और deoxygenated blood अलग अलग होंगे तो oxygen ज्यादा पहुंच पाएगी, efficient supply हो पाएगी oxygen की. This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature. हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है. बाहर ठंड हो या गर्मी हो, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखना है. अगर उससे कम या ज्यादा हुआ तो हमें क्या हो गया? बुखार हो गया, हम बीमार हो जाएंगे. बीमार होने की वजह से हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म हिल जाएगा. मेटाबॉलिज्म हिलने की वजह से sometimes it can also lead to death. इसलिए मैमल्स और बर्ड्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए. उनके हार्ट में ही इस तरीके की कुछ फॉर्मेशन की गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर पहुंच रही है बॉडी को. नाउ द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बोथ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड अलाउज some mixing of oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature. Reptiles hai chipkali, amphibians hai frog. Dono kya karte hain? Hibernate karte hain. Hibernate karte hain sardiyon mein and estivate karte hain summer mein. To inko apni body temperature maintain karne ke liye itna nahi chahiye hota energy. तो इनकी कम ऑक्सीजन से भी गुजारा चल सकता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें सम मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज अलाउड. हार्ट एंड फिशेस हैव ओनली टू चैम्बर्स एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स. हार्ट का एक पार्ट है जो दैट टेक्स ब्लड फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट्स. दूसरा पार्ट गिव्स द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड की कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है.
क्योंकि गिल्स ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ ही ब्लड क्या होता रहता है, ब्लड साथ के साथ ही ऑक्सीजनेट होता रहता है इन द केस ऑफ फिशेस. चलो इस डायग्राम को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं. देखो दीज आर कैपिलरीज, ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड पार्ट, ये गंदा खून है, ये फिश का खून है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वेन्स लेके आ रही है, वेन्स कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आयोटा पूरी बॉडी को ब्लड लेके जा रही है. गिल सर्कुलेशन साथ के साथ क्या होता रहता है, गिल सर्कुलेशन होता रहता है. गिल सर्कुलेशन क्या करता रहता है, गिल सर्कुलेशन साथ के साथ ही जो ब्लड है वो ड्रेन आउट करता रहता है, वो ऑक्सीजनेशन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ के साथ करता रहता है. वही आप देखो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये फर्स्ट चैम्बर है, ये सेकेंड चैम्बर है और ये है थर्ड चैम्बर. देखो ये जो पर्पल कलर का थर्ड पे ब्लड इन्होंने दिखाया हुआ है, दैट इज द मिक्स्ड ब्लड. यहाँ पे ये सारा जो है मिक्सिंग हो गई है ब्लड की. यहाँ पे क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेके आ रही है एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज पूरी बॉडी को लेके जा रही है. एंड दिस इज द हार्ट, हार्ट के थ्री चैम्बर्स, ये चैम्बर है मिक्सिंग हो गई है इसमें, ये चैम्बर है इसमें कौन सा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये चैम्बर है इसमें कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ठीक है, एंड दिस इज अवर हार्ट, दो चैम्बर्स ऊपर में, दो चैम्बर्स नीचे में. ठीक है, ये देखो फिशेज में सिर्फ इतना छोटा हार्ट दिखाया गया है, फिशेज में ओनली कोई भी सेपरेशन नहीं होती ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, दो ही चैम्बर्स होते हैं, एक क्या करता है गिल्स को ले जाता है सारा ब्लड, दूसरा क्या करता है बॉडी को ले जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये सारा गिल्स को या लंग्स को लेके जा रहे हैं, ये वाला हमारे में भी ये क्या होता है लंग्स को लेके जाते हैं, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है और पूरी बॉडी में चला जाता है. This is the systematic circulation, means the circulation that is happened in. तो हमने अब देख लिया, हमने circulation की and blood की importance को देख ली है. एक बार दोबारा से आप double circulation को read कर लो, that will be more efficient for you. When the left atrium relaxes, oxygenated blood from the lungs flows into through the pulmonary veins. When the atrium relaxes, oxygenated blood from lungs flows into it through the pulmonary vein. Pulmonary vein क्या लेके जाती है? Pure blood lungs से हार्ट तक ले आती है. जब कहां पे ले आती है? लेफ्ट आर्ट्रियम में. जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है. वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है, वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है आयोटा में, आयोटा से ब्लड चला जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, the deoxygenated blood enters the right atrium through vena cava. अब ये तो हमने आर्टरी वाला सारा पार्ट तो हमने पढ़ लिया. जो deoxygenated blood है वो vena cava के through आता है, जो oxygenated blood है वो aorta के through जाता है. vena cava क्या करती है? right atrium में blood ले आती है. कौन सा blood ले आती है? deoxygenated. अब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है. जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है. पल्मोनरी आर्टरी किसको ब्लड दे आती है? लंग्स को. एंड पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ब्लड वापस ले आती है और कहां पे लेके जाती है? लेफ्ट आर्टरियम में. और ऐसे ये साइकिल क्या है? रिपीट होता रहता है.
अब सेम ब्लड है वो दो बार हार्ट को एंटर करके दो बार हार्ट को छोड़ रहा है, इसलिए सिंस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. ओके, सिंगल साइकिल डबल सर्कुलेशन. अब इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपने अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है एंड ये लिखना भी है एज इट इज व्हेन यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डबल सर्कुलेशन इन योर टॉपिक.